ये देखिए, सो गाइस ये आप देख सकते हैं क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल यार, 1800 में पैसा वसूल है, क्या बात है। और ये देखिए, वाओ, साथ में पैंट भी है, प्रिंट्स काफ़ी सारे हैं इधर। ये देखिए, इधर भी ये प्रिंट आप देख सकते हैं, ये वाला प्रिंट है, क्या बात है, अमेजिंग। करूँ तो देखिए, ये भी कितना प्यारा है, ओह वाह। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम जा रहे हैं देहरादून। ऑब्वियस है, सर्दी जा चुकी है, समर आ चुकी है, तो ऐसे में सोचा चलो यार देहरादून जाया जाए, क्योंकि एक होता है ना, कभी कभी मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पर, तो आज जो है मैं देहरादून की लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। यहाँ के इन रोड पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ एक बेनिफिट ये मिलता है कि बड़े खुले खुले से रोड रहते हैं, मतलब इतना ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं रहता। अक्सर आप लोगों ने देखा है, अदर आप दिल्ली साइड चले जाते हैं, इतना ट्रैफिक, हर मिनट मिनट बाद रेड लाइट मिलती है, लेकिन इन रोडों पर कोई इस तरह का रेड लाइट जैसा टेंशन ही नहीं होता है। देख सकते हैं देहरादून मसूरी वाले रास्ते में देखिए आ चुके हैं हम लोग, और बस जी हम लोग 47 मिनट में सीधा पहुंच जाएंगे देहरादून की वादियों में। वैसे तो जब ये चढ़ाई जो शुरू होने लगती है ना, और ये पहाड़ दिखने लगते हैं, तो बस हिल स्टेशन का अपना ही एक मजा नजर आने लगता है। और ये देख सकते हैं क्या बात है, क्या सबसे बड़ी बात क्या है, रास्ते में एक भी ढंग का ढाबा नजर नहीं आया है। 3 बज गए हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, सुबह इवन हम लोग नाश्ता करके नहीं चले हैं। अब देखते हैं, देहरादून पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचे नहीं है, पर रास्ते में आई होप कि कुछ अच्छा सा हमें खाने को मिल जाए, तो हम लोग अपनी पेट पूजा कर ले, क्योंकि पेट पूजा होगा तभी तो घूमना घुमाना हो पाएगा। गाइज आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप खिला पिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ साइड ज़रूर लेकर चलिएगा। इधर एक्चुअली पूरा जंगल है, तो इधर बंदर जो है आपका वेट कर देंगे, शायद आप उन्हें कुछ खाने पीने को दोगे। सो गाइज ये देख सकते हैं, मसूरी 47 रह गया और देहरादून मात्र रह गया 15 किलोमीटर। लेकिन यहाँ एक बात है कि इस रास्ते में आपका नेटवर्क जो है बिल्कुल चला जाता है, आप जो है अपना अगर लोकेशन से चल रहे हैं, मैप लगाकर चल रहे हैं, तो बस वो स्लो स्लो स्पीड में चलता रहेगा, बट यहाँ आपको बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो इसीलिए किसी को अर्जेंट कॉल या कुछ भी करना है तो फटाफट देहरादून में एंटर करने से पहले ही कर लेना चाहिए। ये वाले इस टाइप के घर बड़े प्यारे से लगते हैं, यहाँ पेड़ पौधे और अपना एकदम शांत, किसी से कोई लेना देना नहीं, बड़ा अच्छा सा लगता है इस जगह पर। पर कहा जाता है ना, जहाँ आप रहते हैं आपको वहीं की आदत होती है। नहीं अब देखिए, आपको ये देहरादून का जो है टनल आ गया है, टनल पॉइंट है, इसके बाद ही आपको प्रॉपर जो है आपका नेटवर्क में आ पाएंगे। ये देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, इधर ठंडा ठंडा फील होता है टनल के नीचे आते। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है टनल, थोड़ा सा ही है, मुश्किल से आई थिंक आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। टनल से बाहर आ गए हैं हम, लेकिन ये रास्ते में कुछ खाने पीने को इस रोड पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मतलब जो भी लेना आप पहले ही देहरादून से पहले ही ले लीजिए, यहाँ काफ़ी दूर तक कुछ भी नहीं है ऐसे, जैसे छोटे छोटे स्टॉल्स भी होते हैं ना, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। फाइनली हमें छोले कुलचे वाला मिला है, भगवान, अब छोले खा रहा हूँ, भूख लग रही है सच में। और ये कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे इसको खाने के लिए, है ना, किस्मत बोलते हैं इसको, लक बोलते हैं, भूख एक बार इसे समझा था मैं इसको, मैडम को भूख लगी पर मेरे को मिले खाने को। क्या हुआ, एक्चुअली आलू गोभी रखा हुआ था, वो उस हिसाब से रखा था कि दो लोगों का ही बन सकता था, मैंने रोटियां बना ली थी, मैंने कहा चलो रास्ते में छोले भटूरे वाला मिलेगा तो खा लेंगे। भाई दिल्ली से देहरादून, माई गॉड, अब मिला है और मेरी आंखें ऐसे चक्कर खा रहे, मैं बता नहीं सकती, सीरियसली
किस्मत अपनी अपनी, जब चीज़ों को शिद्दत से ढूंढो तो एवं नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो आज हमें करनी पड़ी है। चलिए गाइस, देहरादून की मेन मार्केट में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से देहरादून की मेन मार्केट शुरू हो जाती है, घंटाघर, मोहिनी रोड, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और आज संडे है एक्चुअली, तो मार्केट्स बंद है। अब देखते हैं, हमारा लक है हमें आज कोई शॉप मिलती है कि नहीं। इसका मतलब जो है, संडे को देहरादून मार्केट हमेशा बंद होती है, ये देख सकते हैं। थोड़ा फैशन फिस्टा पे पहुंची हूँ, टॉप क्लास वैरायटी है। बाकी अभी अंदर जाकर देखते हैं, एक मार्केट हमें खुली हुई मिली है, तो लेट्स सी अंदर क्या क्या होता है। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ये आप देख सकते हैं, क्या बात है। ये पूरा स्टॉक आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है, प्रॉपर पूरा कलरफुल है। चीना, मीना, टीना, टीका, मीका, बहुत सारे नाम हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, अब देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पर हमारी पसंद का हमें क्या क्या मिलता है। जो भी मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं। देख रही हूँ टाइल सूट्स की भी काफ़ी सारी वेराइटियाँ हैं, इधर लोअर्स हैं, ये विंटर का, एक्चुअली देहरादून में ठंड होती है तो ये जैकेट्स वगैरह अभी भी हैं इधर, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ब्लेजर्स हैं इधर, फोर पीस विलन कुर्ती, वाओ, 999 में सेल लगी हुई है, क्या बात है। और ये देख सकते हैं ब्रांडेड है, वाओ, बहुत खूबसूरत, अमेजिंग, वैरायटी की तो अनलिमिटेड है, ओ क्या बात है। ये देखो मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद आई ये वाली, ये देख सकते हैं, ये देखो, ये देखिए। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल यार, 1800 में पैसा वसूल है, क्या बात है। अच्छा, अगर मैं इसके स्टफ़ की बात करूँ तो काफ़ी थिक स्टफ़ है इसका, मतलब ये देखिए काफ़ी थिक है, वेरी ब्यूटीफुल। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इधर, दो तीन ऑप्शन सर और दिखाइएगा मुझे इसके, क्या बात है। अरे वाह, कोट सेट, और ये देख सकते हैं गाइस, कोट सेट भी है, और आजकल कोट सेट बहुत ज़्यादा चला हुआ है, क्या बात है। विंटर में कोट सेट के भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। और इधर कुर्तीज़ भी मैं देख रही हूँ, और एक दो ऑप्शन में आपको, जैसे लेपर्ड में है, थोड़ा सा टाइगर प्रिंट है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। और इसके साथ मुझे लग रहा है, और इसका प्राइस जो है 1500 रुपये है, और इसके साथ शायद, हाँ, नीचे का ये पैंट भी दिया हुआ है, क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल। और एक ये वाला स्टफ़ यहाँ पर, मतलब रेंज बहुत अच्छी रखी गई है, क्या बात है। और ये देखिए, वाओ, साथ में पैंट भी है, और 2200 रुपये का ये रहेगा, बट मुझे लगता है रिटेल प्राइसेस हैं, आई थिंक यहाँ होलसेल में भी मिलता है। बाकी लेट्स सी, ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, अगर आप लोग भी आना चाहें डेफिनेटली यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इधर सूट्स हैं काफ़ी सारे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इधर लोअर सेक्शन है, क्या बात है, ये आप देख सकते हैं, लोअर का भी क्वालिटी देखिए, देखिए यहाँ शाइनिंग आप देख पा रहे हैं शायद, ये देख सकते हैं। इधर आप खुद ही चूज़ कर लेते हैं, प्राइजेस वगैरह सब मेंशन होते हैं, प्रिंट्स काफ़ी सारे हैं इधर, ये देखिए, इधर भी ये प्रिंट आप देख सकते हैं, ये वाला प्रिंट है, क्या बात है, अमेजिंग। विंटर में लेना चाहते हैं तो विंटर में भी आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं, ये देखिए जी, विंटर के अंदर ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, और 150 रुपीज़ ओनली, ओ एम जी, क्या बात है, 150 रुपीज़ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ मिल गए हैं, और इधर भी देख पा रहे हैं, तो आपको वैरायटी यहाँ काफ़ी सारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, एड्रेस दे दूँगी, अगर कभी देहरादून विजिट कर रहे हैं डेफिनेटली आप यहाँ ज़रूर आइएगा, मतलब लाइक ऑप्शन बहुत है यार आपके साथ। और ये देखिए, ये देखिए, ये वाला भी अगर मैं पीस की बात करूं तो देखिए ये भी कितना प्यारा है, ओह वाह, आज मुझे लग रहा है मैं पूरा मार्केट ही यहाँ पर देख पा रही हूँ, अरे यार क्या बात है। और ये देखिए, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वाह, बहुत बढ़िया।
होप कि आप लोगों को भी मेरा ये कलेक्शन पसंद आया होगा। पैकिंग शेकिंग बिल्कुल अब तसल्ली से मैं शॉपिंग करूँगी, बिकॉज आप लोगों को बता दी कि यार देहरादून मार्केट में अगर कभी आप विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ का कलेक्शन सीरियसली बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगेगा अगर जो भी यहाँ पहुँचेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।